बिग बी फिल्म वेलकम बैक के मेकर्स से है काफी खफा, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने बिना उनकी इजाजत के मीडिया में ये न्यूज स्प्रेड कर दी थी कि वो रेखा के साथ इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। दरअसल फिल्म वेलकम बैक के फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट पर इस फिल्म के मेकर्स ने ये इशारा किया था कि वो बिग बी को इस फिल्म में लेट फिरोज खान के रोल के लिए साइन कर सकते हैं। अमित जी को कंसीडर किया था इस रोल के लिए? इस बात का मुझे लगता है जवाब जो है फिरोज भाई अच्छी तरह से दे सकते हैं। We have been speaking to Amit ji and we are just waiting for him and final decision will be और बिग बी के इस फिल्म में कास्ट किए जाने की इस न्यूज से ठीक एक दिन बाद ही न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आ गईं कि रेखा भी इस फिल्म में नजर आ सकती है। फिर क्या था, हर जगह बातें होने लगी कि क्या बिग बी और रेखा ने अपने पुराने डिफरेंसेस भुलाकर फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ आने का फैसला कर लिया है। ऐसे में जब ये न्यूज बच्चन फैमिली को लगी तो वो इस बात से काफी नाराज हो गए कि वेलकम बैक के मेकर्स ने बिना उनसे कंसल्ट किए इस न्यूज को अनाउंस क्यों किया। साथ ही बिग बी ने अब ऑफिशियली इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा है, आई एम नॉट डूइंग द फिल्म, आई डोंट नो, नोबडी हैज अप्रोच्ड मी फॉर दिस। वैसे बिग बी ही नहीं, ऐश्वर्या ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, I wanted to stage a protest of my own when Amitabh Bachchan set the record straight on his supposed signing on of Welcome Back. Well, Bachchan family Welcome Back के मेकर्स से काफी नाराज है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि Welcome Back के मेकर्स बच्चन फैमिली के इस रिएक्शन का किस तरह से जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।